गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिस्ट्री बाय श्वेता एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मैंने आज ये फुल गुजराती लुक आज किया है, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रहा है तो उसके लिए मैंने ये लुक लिया है। तो आप भी मेरे साथ प्लीज बने रहिए लास्ट तक, ताकि आप ये देख सके कि मैंने ये जो लुक है कैसे क्रिएट किया है। फॉर प्राइमर आई एम गोइंग टू यूज स्मैश बॉक्स फोटो फिनिश प्राइमर। इट इज़ अ वेरी गुड प्राइमर टू इन्वेस्ट इन। फुल फेस में मैं मैक स्ट्रोब क्रीम इन शेड गोल्ड लाइट लूंगी, ताकि वो मुझे एक ड्यूई फिनिश दे। फाउंडेशन के लिए मैं मेबेलिन सुपर स्टे फुल कवरेज इन शेड सनबेज यूज कर रही हूँ। ये फाउंडेशन का कवरेज बहुत अच्छा है एंड ये अफोर्डेबल रेंज में भी है। आई एम ब्लेंडिंग माई फाउंडेशन विथ अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर। नेक्स्ट प्रोफेशनल आई शेडो बेस इन शेड स्किन टोन मैं अपने फुल आईलिड एरिया पे कंसील कर रही हूँ। एज अ प्राइमर आई एम यूजिंग इट मेबेलिन फिट मी कंसीलर इन शेड कैरेमल। मैं यूज कर रही हूँ अपने अंडर आईज एरिया को कंसील करने के लिए। पैक स्पॉटलाइट लिक्विड कंसीलर इन शेड मेलन यूज करूंगी टू हाईलाइट माय अंडर आई एंड सर्टेन एरियाज। I will use pack HD powder in transparent to set my under eyes. Maybelline Fit Me loose powder in shade medium से मैं अपने full face को अच्छे से set करूँगी। स्पूली से मैं अपने eyebrows को अच्छे से brush कर लूँगी। L'Oreal Paris Brow Pomade in shade Ebony से मैं आज अपना eyebrows कर रही हूँ। लास्ट में मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से स्पूली से ब्रश आउट कर लूंगी। NYX प्रोफेशनल ब्रो मस्कारा इन एस्प्रेसो डार्क ब्राउन से मैं अपने ब्राउज को अच्छे से सेट करूंगी। NYX का आई शेडो पैलेट से मैं आज पिंकिश पर्पलिश अपने क्रीज एरिया में आज अप्लाई करूंगी। दूसरे आई में भी सेम कलर लेके अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ब्लेंडिंग शुड बी वेरी गुड। सेम पैलेट से पर्पल शेड लेंगे और अपने आउटर एंड इनर कॉर्नर में अच्छे से ब्लेंड करूंगी मैं। हल्का क्रीज में भी उसको इफेक्ट दूंगी। आप जब करेंगे तो प्लीज़ अपना टाइम लीजिए और अच्छे से ब्लेंड करिएगा, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है ब्लेंड होने में। मैं एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी एंड अपने दोनों शेड को अच्छे से ब्लेंड करूंगी, ताकि कोई फाइन लाइंस ना दिखे। NYX का आई शेडो बेस लेके मैं अपने आईलिड एरिया में उसके जो सेंटर है उस पर अच्छे से हल्का हल्का ब्लेंड करूंगी। हम जस्ट इसको क्लीन कर रहे हैं, ताकि हम इसके ऊपर अपना ग्लिटर आई शेडो अप्लाई कर सकें। बैक के आई शेडो पैलेट से मैं ये वाला शेड लूंगी अपने फ्लैट ब्रश में एंड उसे जस्ट अपने सेंटर ऑफ द आई पे अप्लाई करूंगी, जहाँ पे हम अपना आई बेस लगाए थे।
पर्पल आई शेडो लेकर के मैं अपने आई शेडो को अच्छे से नीट करूँगी फर्स्ट, कि कोई हार्श लाइन ना दिखे। आई विल टेक द सेम पिंकिश पर्पलिश शेड एंड ब्लेंड इट अगेन टू गिव अ फिनिशिंग टच। मेरे अंडर आई एरिया के जो सेटिंग पाउडर थे उसको मैं अच्छे से ब्रश आउट करूँगी। फॉर माई लोअर लैश लाइन मैं सेम पिंकिश पर्पलिश शेड लूँगी और इनर कॉर्नर्स में अप्लाई करूँगी एंड आउटर कॉर्नर्स में मैं अपना पर्पल शेड अप्लाई करूँगी। हाईलाइट माई आईज आई एम यूजिंग पैक हाईलाइटर। फॉर माई आईलाइनर आई एम यूजिंग प्रो आर्ट ब्लैक आईलाइनर। काजल के लिए मैं लैक्मे का आइकॉनिक काजल यूज कर रही हूँ। अपने मस्करा के लिए मैं मेबेलिन कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्करा यूज कर रही हूँ। आई एम यूजिंग NYX का कॉन्टोर पैलेट टू कॉन्टोर माई फेस एंड देन माई जॉलाइन। I'll take a small contour brush and I'll contour my nose. I'm using Tag Studio Blusher to blush my cheeks. It is a very good shade, peachy and pinkish shade. For highlighting, I will use the same Tag Baked Highlighter in shade Killer Vibes in my lighter areas. I am using Pro Art Lip Liner in shade Nude to line my lips. For lips, I am using Pack Retro Matte Gloss in shade Posh. With NYX Professional Matte Finish Setting Spray, I'll spray all over my face so that my makeup lasts long. Go more traditional, apply the three dots like the Gujaratis and you're done with your makeup. तो गाइज मैंने अपना ये लुक क्रिएट कर लिया नवरात्रि के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये यूजफुल हो आपके लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे जो एक बेल आइकन है उसको प्लीज़ क्लिक करिए ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए अपलोड हो वो तो वो आपको ज़रूर दिखे। Thank you and happy Navratri to everyone. Bye.